इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब अगर आप चाहें, अगर आपसे सवाल यूं पूछा जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन दीन एंड मजहब इन डिटेल, तो फिर तो बेहतर यह है कि दरमियान में एक लाइन ड्रॉ करें, एक तरफ लिखें दीन और दूसरी तरफ लिखें मजहब, एक पॉइंट दीन का दें, इधर एक पॉइंट मजहब का, इधर एक पॉइंट दीन का, इधर एक पॉइंट मजहब का। चाहें तो यूं करें और चाहें तो दो हेडिंग्स के साथ पहले दीन को डिस्कस करें फिर मजहब को डिस्कस करें, जैसे मैंने बताया, दोनों तरीके वैलिड हैं। तो सबसे पहले जब आप किसी चीज को अटेम्प्ट करेंगे पेपर में, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट डज इट मीन। अगर आपसे अकायद पूछे जा रहे हैं तो सबसे पहले आप बताएंगे अकीदा क्या होता है। अगर वर्शिप पूछी जा रही है तो सबसे पहले आप बताएंगे वर्शिप्स क्या होती हैं, इसके लघवी मानी क्या है, लिटरल मीनिंग्स क्या है, रिलीजन के अंदर इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है, वहां से आप स्टार्ट लेंगे। उसके बाद पॉइंट्स में, हेडिंग्स में, विद रेफरेंस आप उसके पॉइंट डिस्कस करते जाए। कोई आउटलाइन बनाना कंपलसरी नहीं होता एग्जाम में, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं कि आप किस तरीके से इसको डिवाइड करें हेडिंग्स में, पॉइंट्स में। अब वो हाईलाइट हो जाएंगे आपके मेजर पॉइंट्स, उसको आप डिस्कस करते जाएं। फिर आप इसमें जरूर दें काइंड्स ऑफ रिलीजन। काइंड्स कौन कौन सी हैं? सेमिटिक और नॉन सेमिटिक। अब आप देंगे म्यूचुअल पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट्स अमंग सेमिटिक रिलीजन्स, उनकी एक लिस्ट दे दें। फिर आप दे दें डिस्टिंक्शन ऑफ इस्लाम एज दीन, इस्लाम के अंदर क्या डिस्टिंक्शन है। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए ना, तो आपके पास यू हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट 20 मार्क्स के लिहाज से, लेकिन आपने क्वेश्चन के फॉर्मेट को पहले समझना है। ऐसे नहीं कि जैसे अब मैंने लिखा है आप ऐसे लिखना शुरू कर दें। सवाल किस तरह से पूछा है उसके अकॉर्डिंगली आउटलाइन बनाएंगे, कॉन्टेंट यही होना है, इसी के अंदर रहकर आपको क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसका फॉर्मेट क्या है ये तो यू नेवर नो। जब पेपर आपके सामने आएगा फिर आप उसको लिखेंगे, हर दफा जरूरी नहीं एक ही फॉर्मेट का क्वेश्चन हो। एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, वो आपकी कॉम्पिटेंसी देखना चाहता है कि इस बच्चे को इज ही और शी कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझता भी है कि नहीं। सो आपसे अगर पूछा गया है दीन और मजहब का डिफरेंस हाईलाइट करें, अब आप लाइन डाल के दोनों को डिस्कस करते जाएं। डिफरेंशिएट करने का बेहतरीन तरीका होता है कंपैरेटिव स्टडी, इधर से एक पॉइंट उसका दिया, उधर से उसका पॉइंट दिया। अगर जनरल पूछा गया है व्हाट इज दीन एंड रिलीजन, डिस्कस इन डिटेल इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना, अब आप इस तरह से कॉमन जनरल तरीके से डिस्कस करते जाए। लेंथ कोई बेटा मेजर लेंथ नहीं होती, असल में हर टॉपिक के अंदर वैलिड पॉइंट्स होते हैं, जितने वैलिड पॉइंट्स उस टॉपिक के हैं वो मिस नहीं होने चाहिए, वो चाहे 3 पेजेस पर या 4 पेजेस पर। अब अगर 4 पेजेस पर आपने मुकम्मल लिख लिया है, कोई चीज मिस नहीं की उस टॉपिक रिलेटेड, तो सफिशिएंट है। और अगर आपने काफी नहीं है, लेंथ मैटर नहीं करती, इट्स नॉट क्वांटिटी दैट मैटर्स, इट इज क्वालिटी दैट मैटर्स। आपने जो लिखा है उसकी क्वालिटी, उसमें नॉलेज, डेप्थ ऑफ नॉलेज, रेफरेंसेस नहीं है। अब ये जितना प्रोसेस करेंगे फर्स्ट करें तो उसमें 12 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसमें से कुछ मिस ना करें और उसको हाईलाइट करके यानी हेडिंग के साथ लिखें। बेहतर ये है कि आप ब्लैक पॉइंटर के साथ हेडिंग लिखें, पॉइंटर नॉट मार्कर, ब्लैक पॉइंटर के साथ हेडिंग लिखें और ब्लैक पॉइंटर ही के साथ रेफरेंस करें, बाकी सारी डिटेल। जब आप ब्लैक पॉइंटर के साथ हेडिंग और रेफरेंस लिखेंगे वो खुद ब खुद प्रोमिनेंट हो जाएगा, एग्जामिनर की नजर वहीं जाकर रुकेगी
और वही वो तलाश कर रहा है, उसी का वो आपको स्कोर देगा। बेहतरीन तरीका ये है, ठीक है। यस, इट इज रिकमेंडेड। अगर आपको अच्छी ग्रिप है तो आप पहले 2 मिनट की 3 मिनट के अंदर आप अपनी आउटलाइन बना सकते हैं और फिर आप 35 मिनट्स में अपना क्वेश्चन मुकम्मल कर लें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना हो कि एक क्वेश्चन पे आप इतना टाइम लगा लें कि बाकी जो अगले 2 क्वेश्चंस हैं, पहले 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे करें आप, बहुत टाइम लगाया, लेकिन बाकी 2 क्वेश्चन के लिए आपके पास सफिशियंट टाइम ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिहाजा अगर आप समझते हैं कि आउटलाइन पे आपका टाइम ज्यादा लगता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, उसका इंट्रोडक्शन दें, और इंट्रोडक्शन में आप उस टॉपिक का नाम लिखकर उसका इंट्रोडक्शन दें। क्वेश्चन नंबर फलां, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम, ये लिख के अब आप इकोनॉमी को डिफाइन करें, दुनिया के अंदर कौन कौन सी इकोनॉमीज हैं उनका जिक्र करें, लायोनेल रॉबिन्स क्या कहता है उसके बारे में, इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम की इकोनॉमी क्या है, अब इसको आप डिस्कस करते जाएं पॉइंट्स के साथ, एंड यू कैन गेट स्कोर इजीली इंशाल्लाह। ठीक है, समझ आया आपको? ओके, माशाल्लाह। कंक्लूजन में आपने देना है कि जो टॉपिक था, जो क्वेश्चन था कि आपने देखें इस अपनी पूरी डिस्कशन से, हेंस वी हैव कंक्लूडेड दैट इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम एंश्योर्स द सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी एंड एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। सवाल यही था कि इस्लाम का मुआशी निजाम सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ को एंश्योर करता है और पॉवर्टी इरेडिकेशन में अहम रोल प्ले करता है। आपने सारा डिस्कस कर लिया, कंक्लूजन में अब आप यही पॉइंट देंगे, हेंस वी हैव discussed through the light in the light of Quran and Sunnah that Islamic economic system ensures the circulation of wealth in society, it travels from higher concentration to lower concentration, and ultimately it leads to eradication of poverty from society. ye aapka conclusion teen char jumlon mein aap apna conclusion de de, theek ho gaya? कोई लेंथ नहीं बेटा, मैंने बताया है ना, लेंथ का मतलब तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा है वैलिड पॉइंट्स और उनकी एक्सप्लेनेशन मिस नहीं होनी चाहिए, उससे रिलेटेड रेफरेंस मिस नहीं होना चाहिए। अब आप जब लिखने बैठेंगे तो आपको अंदाजा होगा। अभी तो हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, कुछ टॉपिक्स पढ़ लें, हम पास्ट पेपर करें इंशाल्लाह। हमारी पूरी एक क्लास होगी जिसमें हम पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे, लेकिन पास्ट पेपर तो तब सॉल्व करते हैं जब हम पूरा पढ़ चुके हों ना। अभी तो हमने पढ़ा ही कुछ नहीं, अभी तो हम अपनी इब्तिदा में है। सूरह गाफिर कहां लिखा है? सूरह मोमिन का नाम कहां से पढ़ा है आपने? सूरह गाफिर, सूरह गाफिर कुरान में तो नहीं लिखा हुआ, कुरान में तो सूरह मोमिन लिखा हुआ है। सो आप सूरह मोमिन ही लिखिए जी, जो आपको अच्छी लैंग्वेज आती हो, इंग्लिश अच्छी आती है इंग्लिश में करें, उर्दू अच्छी आती है उर्दू में करें, इसका स्कोर से कोई ताल्लुक नहीं है जी। उस्मान का क्या क्वेश्चन है यार, देखें उस्मान का क्वेश्चन, इफ देयर इज अ सिचुएशन अराइजेस वेयर मस्ट हैव उर्दू इश्तिहार एंड मेक डिसीजन एंड द रेस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड विल फॉलो दैट। देखिए बेटा, अगर तो वो इशू रीजनल जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो पूरा यूनिवर्सल इशू है जिसको सॉल्व करना जरूरी है, तो फिर बाकी स्कॉलर्स की राय लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक आदमी की राय और 50 आदमी की राय में कितने व्यू पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे, फिर डिसीजन करना आसान होता है। इसलिए स्कॉलर्स सबकी राय लेते हैं। जो मैंने आपको फोरम्स बताए थे जहां पे इश्तहाद किया जाता है, तो ये फिर मीटिंग्स कॉल करते हैं और सारे मुस्लिम स्कॉलर्स इकट्ठे बैठते हैं और फिर वो डिसीजन करते हैं ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए। इट इज अ टीम वर्क, इट इज अ टीम वर्क, इट इज कॉल्ड कोलेक्टिव इश्तहाद, इज्तमाई इश्तहाद। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन एक स्कॉलर भी कर सकता है, लेकिन इश्यूज पर डिपेंड करता है कि उसका लेवल कितना है। अगर वो यूनिवर्सल लेवल का इशू है तो स्कॉलर्स को एक दूसरे की राय मालूम करना जरूरी होता है ताकि कोई गलत डिसीजन ना होने पाए। दे टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स,
बड़ी एहतियात करते हैं कि गलत फैसला ना हो. इट इज अ सेंसिटिव इशू. ठीक हो गया जी, इज इट क्लियर? माशाल्लाह. नहीं, इस सबको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इस सब की डिटेल आगे देंगे आप. जो हमने डिस्कस किया है इस सब की डिटेल आपने बुक से पढ़नी है. ये सफिशिएंट थोड़ा है, ये सफिशिएंट नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है. जो हमने पढ़ा है इतना, ये सारा इसकी डिटेल, इसके रेफरेंसेस सारे साथ साथ लिखेंगे ना. अब यहां मैं सारा वो बोर्ड पे तो नहीं लिख सकता जितनी डिटेल है, वो तो आप सारे लिखेंगे डेफिनेटली. 20 मार्क्स का कंटेंट तो तभी बनेगा ना, अदरवाइज तो ये सफिशिएंट नहीं होगा. ठीक है, ये जरूरी है. अच्छा, इसी तरह से कल जो हमने डिस्कस किया है ये टॉपिक, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इस पर अगर अलहदा से कोई बुक पढ़ना चाहता है, वैसे आपकी बुक में लिखा हुआ होगा, ये सब बुक्स में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन एक बुक मैं रिकमेंड भी कर देता हूं, दैट इज टिपिकली फॉर दिस टॉपिक. द नेम ऑफ बुक इज मुहाज़राते फिक, रिटन बाय डॉक्टर महमूद अहमद गाजी. डॉक्टर महमूद अहमद गाजी, एक्स वाइस चांसलर ऑफ इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद. इस्लामाबाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर थे. इनकी बुक है मुहाज़रात फिक्र, इसमें उन्होंने इस टॉपिक को डिस्कस किया है, और ये उनके लेक्चर्स हैं जिनको उन्होंने किताबी शक्ल में कंपाइल किया है, बुकिश फॉर्म में. और आपकी अपनी बुक्स में भी डिटेल लिखी हुई है, वहां से पढ़ें, इट्स ओके. लेकिन अगर कोई ज्यादा पढ़ना चाहता है तो यहां से पढ़ सकता है. ठीक है, इसको लेकिन पढ़ना है पूरा डिटेल से, तो फिर ही आप लिखेंगे ना. डेढ़ घंटे में तो आप एक टॉपिक मुकम्मल नहीं कर सकते. इसकी डिटेल्स तो आपने पढ़नी है, फिर आपने लिखना है. और मेरी एडवाइस ये है कि आपने मेरे लेक्चर के पॉइंट्स नोट कर लिए, रेफरेंसेस नोट कर लिए, अब आप बुक से उसको रीडिंग दें. अच्छी तरह से पढ़ने के बाद विद ओपन बुक्स आप अपना टॉपिक खुद लिखिए, किताबें खुली हुई हो और आप लिखें, फिर देखिए कि आपके पास कितना कंटेंट जमा हुआ है. इज इट एनफ फॉर 20 मार्क्स, ये आपको खुद पता चल जाएगा. इसी तरह से आपका टॉपिक तैयार होगा. और रेफरेंस तैयार करने का भी मैं आपको तरीका बता रहा हूं. रेफरेंस तैयार करने के लिए दो कुरानी रेफरेंस रोजाना याद करने, नॉट मोर देन टू. अरेबिक टेक्स्ट ट्रांसलेशन, दो रेफरेंस का मतलब दो सेंटेंस. जब मैं कहता हूं दो रेफरेंस आप रोजाना याद करें, तो इसका मतलब है दो सेंटेंस. यू हैव टू मेमोराइज जस्ट टू सेंटेंसेस ऑफ होली कुरान डेली. इज इट डिफिकल्ट जॉब? दो सेंटेंस याद करना आपके लिए क्या मुश्किल है? इट इज क्वाइट इजी. आप देखिए महीने में कितने आपके रेफरेंस तैयार हो जाएंगे, कैन यू इमेजिन? दो रेफरेंस अगर आपने रोजाना तैयार किए, तो अगले दिन जब आप नेक्स्ट दो रेफरेंस तैयार करें तो पहले दो को रिवाइज कर लें, कभी भूलेंगे नहीं आपको, मैं गारंटी से कह रहा हूं. विदाउट जेर जबर, ये तो मैंने पहले कहा था, जेर जबर लगाने की जरूरत नहीं है आपको, इसमें आपका टाइम जाया होगा और गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको अरेबिक नहीं आती, इसलिए आपने जेर जबर नहीं लगानी लिखते हुए. रोजाना दो, और अगले दिन जब दूसरे दो रेफरेंस तैयार करें तो पहले वालों को रिवाइज करें. जब आपका सेशन खत्म होगा यहां से, तो आप देखिएगा कि आपको कितने रेफरेंसेस तैयार हो चुके हैं. इस्लामिक हिस्ट्री तो इस्लामिक स्टडीज नहीं है बेटा. हिस्ट्री को आप नहीं समझते कि क्या होता है. हिस्ट्री एंड कल्चर इज अ टिपिकल पार्ट ऑफ इस्लामिक इवेंट्स, जो आपके वाकयात हैं हिस्ट्री के, इस दौर में क्या हुआ, ये आपकी हिस्ट्री है.
इट इज नॉट कंसर्न विद कमांडमेंट्स एंड नसूस. वाइल कुरान सुन्ना इस्लामिक स्टडीज इट डील्स विद यूर कमांडमेंट्स ऑफ होली कुरान एंड सुन्ना. जी ये बुक अवेलेबल है, होगी इंग्लिश में भी अवेलेबल है जी. यही टॉपिक बेटा जो अभी जिसकी आउटलाइन बनाई है हमने, बुक बताई है ना, सोर्सेज ऑफ शरिया के हवाले से. बस मैं तो नहीं कह सकता कि आपको ये सफिशिएंट है, मैं तो ख्वाब में भी नहीं कहूंगा सफिशिएंट है. क्यों आपको नंबर याद नहीं होता? ओल्ड एज में ना याद हो तो मैं कह सकता हूं. डू यू कैरी एन ओल्ड माइंड ऑन यंग शोल्डर्स? इस उम्र में तो बड़ी आसानी से याद हो जाता है. याद करेंगे तो याद होगा. याद करना याद करने से होता है, याद करना बातों से नहीं होता. जब आप याद करेंगे तो हो जाएगा. मैं तो कह रहा हूं आपको, तरीका मैंने आपको बता दिया है. अगर आप टीचर की राय को कोई वेटेज देंगे तो याद हो जाएगा, और अगर आप अपने फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे अपनी साइंस तो फिर नहीं होगा याद. डिफिकल्ट हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं हो सकता. लिहाजा डिफिकल्ट चीज को इजी बनाना ही तो एग्जाम है ना. डिफिकल्ट समझ के आदमी छोड़ दे तो फिर तो वो कभी भी नहीं हो सकता. तो याद करने से पहले चीज डिफिकल्ट होती है, याद हो जाती है तो फिर आसान होती है. ठीक है जी. सो हमारा जो टॉपिक था जिसको हमने कल डिस्कस किया, उसमें हमने कल इश्तहाद पे खत्म किया था, और इश्तहाद में मैंने आपको मुज्तहद, मुसीब और मुज्तहद मुख्ती ये दो बताए थे, याद है? अब थोड़ा सा और भी देख लीजिए. मुज्तहद मुख्ती और मुज्तहद मुसीब मैंने बताए थे. अब मैं जो चीज बताने लगा हूं उसको प्लीज नोट डाउन. सम अदर टर्म्स इसको कहते हैं, मुज्तहद फिश शरा. मुज्तहद फिश शरा अरबिक टर्म. ही इज द मुज्तहद हु इज फाउंडर ऑफ एनी फिक. जो किसी फिकह का फाउंडर हो, फिकह कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम को, इस्लामिक लॉ को बेसिकली, प्रैक्टिसिंग हाउ टू प्रैक्टिस अ कमांडमेंट, इसको कहते हैं फिक. अरबिक में क्या कहते हैं? फिक, फिकह पढ़ते हैं इसको, फिकह. सो मुज्तहद फिश शरा, वो लोग जिन्होंने खुद उसूल बयान किए हो, those who are founders and those who have described the guiding principles for understanding of Islam, जिन्होंने इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस के लिए आपको गाइडलाइंस दी हैं, these mujtahid are known as mujtahid fi shara. इसकी मिसाल इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम जाफर सादिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मुज्तहद फिश शरा. जी आपको समझ आई है मेरी बात की? देर इज मुज्तहद फिशरा के बाद मुज्तहद फिल मजहब. मुज्तहद फिल मजहब. अच्छा, अब ये जो फिक्र है
एक खास तरीके से इस्लाम को प्रैक्टिस करने को फिकह कहते हैं, इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है मजहब। तो इस मजहब से मुराद दीन नहीं होता, वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, दीन और मजहब का फर्क मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मजहब एक डिफरेंट मीनिंग में इस्तेमाल होने की बात आपको समझा रहा हूं कि जब हम मुज्तहिद फिल मजहब कहते हैं तो इसका मतलब होता है ये जो पांच लोग गुजरे हैं मुज्तहिद, इनके उसूलों पर जो आदमी आगे लोगों को गाइड करता है तो उसको कहा मुज्तहिद फिल मजहब। मुज्तहिद फिल मजहब का असल माना यह है, ये किसी नई चीज का बानी और फाउंडर नहीं होता, दे आर द फाउंडर्स ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स, बट मुज्तहिद फिल मजहब ही इज नॉट द फाउंडर। वो इनमें से जो उसूल इन्होंने दिए हैं उनको फॉलो करते हुए इश्यूज को सॉल्व करता है। मुज्तहिद हु सॉल्व्स द इश्यूज थ्रू द गाइडलाइंस गिवन बाय दीज स्कॉलर्स हु आर नोन एज मुज्तहिद फी शरा, जो इनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इश्यूज को सॉल्व करता है उसको कहते हैं मुज्तहिद फिल मजहब। अब इसकी जो मिसालें आपको बुक से मिलेंगी उसमें दो नाम बहुत मशहूर हैं, इमाम अबू यूसुफ, इमाम अबू यूसुफ एंड इमाम मोहम्मद, दे बोथ आर द स्टूडेंट्स ऑफ इमाम अबू हनीफा। ठीक है, इन्होंने इमाम अबू हनीफा के उसूलों को फॉलो करते हुए मसाइल को हल किया है। इसी तरह से इमाम इब्ने अब्दुल बर, इमाम इब्ने अब्दुल बर, इन्होंने इमाम मालिक के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए इश्यूज को सॉल्व किया है। तो लिहाजा ये मिसालें किसकी हैं, मुज्तहिद फिल मजहब। एंड देयर इज एन अदर टर्म विच इज कॉल्ड मुज्तहिद फिल मसाइल, मुज्तहिद फिल मसाइल, दे आर द स्कॉलर्स हु सॉल्व द मॉडर्न अराइजिंग इश्यूज विच हैव नॉट बीन सॉल्व ऑलरेडी एंड दे फॉलो द प्रिंसिपल्स गिवन बाय अ पर्टिकुलर स्कॉलर। हर एक के इश्यूज को सॉल्व करते हुए हर स्कॉलर की राय को सामने नहीं रखते बल्कि किसी एक इमाम की राय को सामने रखते हैं। जैसे इमाम अबू हनीफा की राय को सामने रख लिया, अब उसी को राय को प्रेफर करते हुए वो इश्यूज को सॉल्व करेंगे, वो इमाम इमाम शाफी फॉलो नहीं करते। किसी स्कॉलर, किसी मुज्तहिद फिशरा उसकी राय को सामने रखते हैं, देन दे सॉल्व द इश्यूज, दे आर नोन एज मुज्तहिद फिल मसाइल, यानी मसाइल को हल करने वाला मुज्तहिद। ये तीन टर्म्स आपको लिखनी आनी चाहिए जब आपसे इश्तहाद पूछा जा रहा हो। और मैंने कल आपको वो बातें लिखवाई थी कि व्हाट आर द कंडीशंस, प्रीलिमिनरी कंडीशंस विच द स्कॉलर्स हैव टू फुलफिल फॉर बीइंग अ मुज्तहिद। मुज्तहिद कौन हो सकता है? नंबर वन, ही शुड बी अ मुस्लिम। नंबर टू, ही शुड हैव अ थॉरो नॉलेज ऑफ कुरान एंड सुन्ना। नंबर थ्री, ही शुड हैव फर्म ग्रिप ऑन अरबिक लिटरेचर एंड लैंग्वेज। ही शुड नो
the meanings of Quran and Sunnah directly from the text of Quran and Sunnah, not through translations. He should know the knowledge of Nasikh and Mansukh. Kal ye maine terms batayi thi. Nasikh and Mansukh. He should have contemporary knowledge. Aaj ke jo jadeed uloom hain, unko bhi janta ho. Aap kahenge, itni sari khubiyan ek aadmi mein kaise hongi? So it is a teamwork. Abhi ek sawal pucha tha kisi bacche ne. So it is a teamwork. Bahut se scholars baithenge. कोई किसी एक शोबे का एक्सपर्ट होगा, कोई दूसरे का एक्सपर्ट होगा. तो जो जिस शोबे का एक्सपर्ट होगा वो अपनी राय देगा. देन दे विल रीच एट अ कंक्लूजन. इट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इशू. इस तरीके से इश्तहाद किया जाता है. और ये एक तरह की लेजिस्लेशन है, बेसिकली कानून साजी है. ये किसी चीज के बारे में उसका हल तलाश करने के लिए एक तरीका एक कार तय करना, ये एक लेजिस्लेशन है. सो ये कमाल स्कॉलर्स करते हैं. आपकी मस्जिद का इमाम इश्तहाद नहीं कर सकता. मैं इस्लामियात पढ़ाने वाला टीचर, आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू कंडक्ट द प्रोसेस ऑफ इश्तहाद. इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड नॉलेज. तो इसके हवाले से मैंने आपको कल फोरम्स बताए थे जिन फोरम्स पे इश्तहाद किया जाता है. मैंने मदीना यूनिवर्सिटी सऊदी अरब का जिक्र किया था, जामियतुल अजहर इजिप्ट का जिक्र किया था, फिकह एकेडमी इंडिया का जिक्र किया था, और अपनी इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल का जिक्र किया था. लेकिन मैंने ये भी कहा था चूंकि ये इदारा हमारा पोलिटिसाइज है, इसलिए इस पर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा जो होना चाहिए था. हालांकि दिस इज द बेस्ट फोरम ऑफकोर्स. It is a constitutional institution. ये एक आईनी इदारा है जो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन ने बाकायदा उसको प्रोटेक्शन दी है. 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका जिक्र मिलता है, 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका जिक्र है, और 73 का कॉन्स्टिट्यूशन तो इसी नाम के साथ इस इदारे को पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देता है. तो ये एक अहम फोरम है इश्तहाद कंडक्ट करने के लिए. और ये इमाम गजाली ये कहते हैं जो दिस इज द एफर्ट टू सर्च द रिलीजियस कमांडमेंट फॉर एन इशू. इट इज एन एफर्ट ऑफ स्कॉलर्स टू सर्च रिलीजियस कमांडमेंट फॉर अ पर्टिकुलर इशू. किसी पेश आने वाले मसले को हल करने के लिए एक ऐसी उलमा की कोशिश, मुज्तहिद की कोशिश, जिससे उस मसले का हल मालूम हो जाए, इसको इश्तहाद कहा जाता है. ये किसने कहा है? इमाम गजाली ने. इसी तरह से एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, उनका नाम है अल्लामा तफ्ताजानी. तफ्ताजानी TFTAZANI. इसका मतलब उन्होंने लिखा है, व्हेन अ मुज्तहिद स्कॉलर एग्जर्ट्स exerts to know when a mujtahid scholar exerts to know a religious commandment exerts to know a religious commandment for an issue This is known as इश्तहाद. जब एक शरी हुक्म मालूम करने के लिए मुज्तहिद शरी हुक्म मालूम करने के लिए एक मुज्तहिद अपनी ताकत इस्तेमाल करता है, इसे
इश्तहाद कहते हैं। ठीक हो गया। सो ये आपका इश्तहाद था, इसको आपको इस तरह से डिस्कस करना आना चाहिए विद रेफरेंसेस, सोर्सेज ऑफ शरिया हमने मुकम्मल किए, प्राइमरी सोर्सेज पहले डिस्कस किए, फिर हमने सेकेंडरी सोर्सेज डिस्कस किए, और आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है, बड़ा आसान टॉपिक है वो आपके लिए, आप उसको पहले से अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इस लेवल पे हम किस तरह से उसको डिस्कस करेंगे। भाई ये आपने लिख लिया है सारा बच्चों, ये बोर्ड, इज इट क्लियर? ओके ओके, द टॉपिक वी हैव टू डिस्कस टुडे इज फंडामेंटल बिलीव्स ऑफ इस्लाम। और आमतौर पर इसमें एक सवाल आता है, एक पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक पे अक्सर आता है कि व्हाट आर द फंडामेंटल बिलीव्स ऑफ इस्लाम। उर्दू में इसको कहते हैं बुनियादी अकायद। इस्लाम के बुनियादी अकायद क्या है, मालूम है आपको? सो इस्लाम के बुनियादी अकायद आपको मालूम है कि क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अकीदा किसे कहा जाता है, अकीदा किसे कहा जाता है, अकीदा, दिस इज एन अरबिक वर्ड विच इज डिराइव फ्रॉम द रूट अकद। अकद समझते हैं, एक लफ्ज है ऐन काफ दाल, अकद, इसका मतलब होता है किसी चीज को बांधना, गिरा लगाना। ये लफ्ज आपने पढ़ा होगा, क्या लफ्ज है, अरेबिक रूट क्या है, अकद, इट मींस नॉट, नॉट समझते, किसी चीज को गिरा लगाना, बांधना, इसका मतलब क्या है, अकद का माना है गिरा लगाना, बांधना। बिकॉज दीज बिलीव्स आर सो स्ट्रांगली एसोसिएटेड वन कैन नॉट लीव देम। जैसे गिरा बंधी होती है ना, नॉट, उसको खोलना मुश्किल होता है, ऐसे ही किसी को अपने अकीदे से हटाना मुश्किल होता है। सो दैट इज वाई दे आर नोन एज अकायद। And the first and foremost belief is Aqidah-e Tawheed. Belief in oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. Belief in oneness. Unity of God. Allah ka ek manna. The second belief is belief in prophethood. अकीदा रिसालत। द थर्ड बिलीफ इज बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट, अकीदा आखरत। बाकी बिलीफ इन एंजल्स, बिलीफ इन जन्ना, बिलीफ इन जहन्नम, बिलीफ इन तकदीर, all these are the secondary parts of these beliefs, wo isi ka hissa hai, but the major beliefs of Islam, they are tawheed, risalat and akhirat. So first of all we will discuss belief in tawheed. Can you define tawheed? Anyone, तौहीद किसे कहते हैं, एक लाइन में इसकी डेफिनेशन बता दें। तौहीद की डेफिनेशन, बिलीफ इन वननेस लिखा है सबने,
There is no God but Allah. Oneness of Allah. One God. La ilaha illallah. Ji. Ab samajh lijiye. Please lend me your ears. Allah ko ek manne ko tawheed nahi kehte. This is not tawheed. Ki Allah ek hai. ये तो सारे मुशरिकीन मक्का कहते थे कि अल्लाह अकबर सबसे बड़ी जात अल्लाह की है और वो एक है. बट तौहीद की डेफिनेशन कुछ और है. वो जिनको आप मुशरिकीन मक्का कहते हैं, यू नो दिस टर्म मुशरिकीन मक्का, they used to say on hajj labbaik allahumma labbaik, ay allah hum hazir hain, labbaik la sharika lak, tera koi sharik nahi. iske bawajood hum kehte hain ki wo mushrik the. what was the reason? they used to say illa sharikan tamlikuhu wa ma malak, you have tiny partners, you have small partners and shareholders and they are under your own control. Allah is one, but there are some partners of Allah subhanahu wa ta'ala and they are under control of Allah subhanahu wa ta'ala. to Allah ko ek manne ka naam tauhid nahi hai. Allah ke saath kisi ko shareek na karne ka naam tauhid hai. samajh rahe? अब इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह इज वन इन हिज एट्रीब्यूट्स एंड वन इन हिज बीइंग. अल्लाह इज वन इन हिज बीइंग, अल्लाह अपनी जात में अकेला है. अल्लाह इज वन इन हिज एट्रीब्यूट्स, अल्लाह अपनी सिफात में भी अकेला है. उस जैसी सिफात किसी की नहीं है. सो देर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ तौहीद. In scholarly way, when we discuss Tawheed, we say Tawheed Bizzat. This is the term Tawheed Bizzat. English mein kya likhenge? Allah is one in his being. Tawheed Bizzat ko isi tarah likhenge Arabic mein. इसके लिए बेहतरीन रेफरेंस आपके पास है और वो आप सबको आता है. कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, ये आपको आती है ना आयत सूरत. हाँ जी, बल्कि आपको यूं कहना चाहिए, सर यही तो आती है, हर नमाज में हम यही तो पढ़ते हैं. क्या ख्याल है? और सूरतें हम क्यों पढ़ें? लंबी हैं, टाइम ज्यादा लेती हैं, जल्दी से नमाज खत्म हो जाएगी. कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ली हर आयत हर रकात में, और सूरतें भी पढ़नी चाहिए नमाज में. जो आपको आती है ना उनको पढ़ा करें, और जो नहीं आती उनको याद करने की कोशिश किया करें बीइंग मुस्लिम. लेकिन ये तो कमाल आती है ना आपको, कुल हुवल्लाहु अहद बचपन में हमें याद करवाएगी. दिस इज द बेस्ट रेफरेंस फॉर तौहीद बिज़ात. सूरह इखलास, अल्लाह अपनी जात में अकेला है, उसका कोई ओरिजिन नहीं है. ही हैज नो ओरिजिन, ही हैज नो एंड. उसके पेरेंट्स नहीं, उसकी ऑफस्प्रिंग नहीं, वालिदैन नहीं, औलाद नहीं, जिस्म से पाक उसकी कोई मिसाल नहीं, उसकी उस जैसा कोई नहीं. नथिंग कैन बी रिजेंबल्ड विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला. ये तौहीद बिज़ात है, स्कॉलरली वे में डिस्कस कर रहे हैं आप. देन कम्स तौहीद बिसिफात. अल्लाह इज वन इन हिज एट्रीब्यूट्स, अल्लाह जैसी सिफात किसी की नहीं है. अल्लाह इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह है. मैं लाहौर में हूं तो इस वक्त कराची में नहीं हूं, मैं कराची में हूं तो फिर मुल्तान में नहीं हूं,
अल्लाह इज ओमनी प्रेजेंट, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, कोई और नहीं इस तरह। अल्लाह का इल्म हर चीज पर डोमिनेंट है, एंड फॉर नॉलेज ही नीड्स नथिंग, उसका इल्म डिपेंडेंट नहीं है। अल्लाह का इल्म मोहित है। इसके लिए बेहतरीन रेफरेंस आप कोट कर सकते हैं आयतल कुर्सी, आप सबको आती है माशाल्लाह ये भी, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हज अल कय्यूम, ये सिफात है उसकी, जिंदा है, कय्यूम कायम है, दूसरों को कायम रखता है। जिंदा तो हम भी हैं, बट आवर लाइफ हैज अ सर्टेन ओरिजिन एंड एंड, आवर लाइफ इज डिपेंडेंट अपॉन सो मेनी फैक्टर्स, वी नीड ऑक्सीजन, वी नीड फूड, वी नीड ड्रेस, सर्दी गर्मी से बचने की जरूरत है, पानी, प्यास के लिए पानी चाहिए, भूख के लिए खाना चाहिए। अल्लाह ऐसे जिंदा नहीं है, अल्लाह की जिंदगी ऐसी नहीं है जैसे हमारी जिंदगी है। इसको कहते हैं हज, जो दूसरों को जिंदगी दे, कय्यूम कायम है, कायनात को बना दिया, यूनिवर्स को एस्टैब्लिश किए हुए है, आसमान की जरूरत नहीं कि गिर जाए, जमीन की जरूरत नहीं कि अपनी जगह छोड़ सके, इस जात को कहते हैं कय्यूम। ला ताखुज़ुहु सिना वला नौम, ही नेवर स्लीप्स, ऊंघता नहीं है, नींद क्या आएगी, थकता नहीं है। कायनात को बनाने में, यूनिवर्स को मैन्युफैक्चर करने में, और फिर उसको कायम रखने में और चलाने में, ही हैज नो डिफिकल्टी, ही इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन हिज एंजल्स इवन। ये अल्लाह की सिफात है। वो किसी की औलाद नहीं है, दूसरों को औलाद देता है। Then there is another form of tawheed, we tawheed uluhiyat, uluhiyat, Allah is your ilah, the best reference, la ilaha illallah, no one can be worshipped than Allah, इबादत सिर्फ उसी की होगी, किसी और की नहीं होगी। वो अपनी उलूहियत में ही हैज नो पार्टनर, नो शेयर होल्डर। जो भी है बस वो है। This is called Tawheed-e-Uluhiyat. There is another form which is called Tawheed-e-Rububiyat. Allah is your Rabb, your sustainer, your master, your Lord. रब कहते हैं द वन हु नोज योर नीड्स, क्रिएट्स योर नीड्स एंड फुलफिल्स योर नीड्स, ही इज कॉल्ड रब। कितने होंगे वो? सिर्फ एक, नो वन एल्स। इसके लिए बेहतरीन रेफरेंस आपको आता है कुरान मजीद की पहली पहली आयत सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन,
All the praise is for Allah subhanahu wa ta'ala, who is sustainer of all the galaxies, all the universe. तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो पालने वाला है, रब है तमाम जहानों का. ऑल द गैलेक्सीज जो आज हम जानते हैं, जो अभी हमारे इल्म में इन फ्यूचर आएंगी, वहां जितनी भी क्रिएशन है अल्लाह की, उन सब की नीड को जानने और पैदा करने और पूरा करने वाला एक अल्लाह है, उसे कहते हैं रब. ये इस तरह से डिस्कस कर लेंगे तौहीद को, मुश्किल तो नहीं है. इज इट डिफिकल्ट? तौहीद तो बस तौहीद है, लेकिन मैंने आपको कहा कि अगर आप इन हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे तो आपके लिए स्कोर लेना आसान हो जाएगा ना. अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप डिस्कस कर रहे हैं, और ये रेफरेंसेस जो आपको अभी बताए मैंने, ये सारे आपको पहले से आते हैं ना, ये आपको सारे आते हैं, और बहुत से रेफरेंसेस मैं अभी आपको लिखवाऊंगा. क्या होता है इस बिलीफ से, होता क्या है बेसिकली? व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस बिलीफ ऑन इंडिविजुअल्स? एक आदमी इसको बिलीव करता है, रखता है बिलीफ, दूसरा नहीं रखता, अल्लाह को नहीं मानता, वो अल्लाह की तौहीद को नहीं मानता. अच्छा, मैं दो बातें यहां एक और भी आपको पॉइंट बता दूं. देयर आर टू थिंग्स. एक है अल्लाह को मानना, That is different thing. ये तो हर आदमी मानता है किसी न किसी शक्ल में. एक है अल्लाह को उस तरह से मानना जैसे अल्लाह चाहता है. अल्लाह को कैसे मानना? जैसे अल्लाह चाहता है. अल्लाह के यहां वही ईमान acceptable है which is as per advice of Allah subhanahu wa ta'ala. Ek aadmi apni aqal ke mutabik Allah ko manta hai. No, it's not acceptable. You have to surrender, you have to show your submission before Allah subhanahu wa ta'ala unconditionally. Iman iska naam hai. Iman logics ke saath janne ka naam nahi hai. Iman janne ka nahi, balki manne ka naam hai. जी भाई, इसके लिए नबियों ने हमें बताया है कि अल्लाह ऐसे चाहता है. When you have belief in oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, unconditional belief in oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, now you will have whole and soul submission for Allah subhanahu wa ta'ala. अब आप कहेंगे सरे तस्लीम हम है जो मिजाज यार में आए. मैंने अपने आप को सबमिट कर दिया अल्लाह के आगे. हम्बली सबमिटेड, अनकंडीशनली सबमिटेड. अब जब आपने ऐसा कर दिया तो इम्पैक्ट ये आएगा, यू विल नॉट हैव फियर ऑफ एनीवन एल्स. आपके दिल में मखलूक का खौफ खत्म हो जाएगा. ओनली फियर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. आई एम अकाउंटेबल बिफोर अल्लाह सुब्हानहू व तआला. ह्यूमन स्लेवरी खत्म हो गई. इंपैक्ट ये है, ह्यूमन स्लेवरी से आप आजाद हो गए. आई एम स्लेव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. आई हैव होल सबमिशन फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला. तो खौफ कहां से आएगा? एक बात तो ये होगी. द सेकेंड थिंग इज यू विल नेवर बिकम डिसअपॉइंटेड इन योर लाइफ. क्यों? बिकॉज यू हैव अ फर्म बिलीव अल्लाह कैन डू ईच एंड एवरीथिंग विदाउट एनीथिंग. अल्लाह सब कुछ कर सकते हैं सब कुछ के बगैर, उसे कुछ भी नहीं चाहिए. अब अगर हमारा कोई अजीज हॉस्पिटल में हो, आईसीयू में,
वेंटिलेटर पे, डॉक्टर्स कहें कि इसकी कोई उम्मीद नहीं है, तो हम क्या कहते हैं उस वक्त? उसको मौत आ जाए उस वक्त हम कहते हैं या अल्लाह तू तो कर सकता है, ऐसे होता है ना, या अल्लाह तू तो कर सकता है, क्यों? डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कोई उम्मीद नहीं, और हम क्या कह रहे हैं या अल्लाह तू तो कर सकता है। दिस इज ड्यू टू बिलीफ ऑफ वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह से आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होते, ही कैन डू। बादल से अल्लाह बारिश बरसाता है, बट अल्लाह इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन क्लाउड्स फॉर रेन। ये तो हमें समझाने के लिए, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, बट अल्लाह इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन दीज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर डिपेंडेंट अपॉन अल्लाह सुबहानहू व तआला फॉर गिविंग प्रॉपर रिजल्ट्स। ये जुमला आपको अगर याद रह जाए तो, अल्लाह वसाइल का मोहताज नहीं, वसाइल अल्लाह के मोहताज हैं नतीजा देने के लिए। अल्लाह आपको शिफा देने के लिए मेडिसिन का डिपेंडेंट नहीं है, मेडिसिन में शिफा की तासीर अल्लाह के हुक्म से आएगी। हर दफा पैनाडॉल लेने से तो बुखार खत्म नहीं होता, हर दफा लाइफ सेविंग ड्रग इस्तेमाल करने से तो आदमी की जिंदगी नहीं बचती। इसका मतलब है रिसोर्सेज आर डिपेंडेंट अपॉन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर देयर डिजायर्ड रिजल्ट्स। जी समझ आ रही है, ये इंपैक्ट ऑफ तौहीद ऑन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। ये आपसे पूछा जाएगा एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू डिस्कस लाइक दिस विद रेफरेंसेस। भरा हुआ है कुरान मजीद इसके साथ, भरा हुआ है। इय्याका नाबुद, वर्शिप इज मेंट फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ओनली, सिर्फ उसी की इबादत। इय्याका नस्तईन, हेल्प इज फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सिर्फ मदद भी वही करता है, नो वन एल्स। ग़ज़वे बद्र में 313 ईमान वाले थे हमारे नबी के साथ, पक्के ईमान वाले, और खुद नबी मौजूद थे, तो कुफार 3000 थे, 1000, फिर कहा हमारे 1000 और आ गए, फिर कहा हमारे 1000 और आ गए, 3000 कुफार, 313 मुस्लिम्स। अल्लाह के नबी अल्लाह से मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, कामयाबी हो गई, फतह मिल गई। आफ्टर विक्ट्री अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिवील्ड द वर्सेस ऑफ होली कुरान एंड सेड, वलकद नासरकुमुल्लाह बिबद्रिम व अंतुम अज़िल्ला, आई हेल्प यू पीपल, आई गेव यू विक्ट्री, यू वर सो वीक। भाई नबी मौजूद हैं, अल्लाह कह रहे हैं यू आर वीक, अंतुम अज़िल्ला, तुम सब के सब कमजोर थे, मैंने बद्र में तुम्हें कामयाबी दी। फरिश्ते भेजे, या अल्लाह फरिश्तों की वजह से कामयाबी मिली? अल्लाह सेड नो, वमा जालहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम वाले तत्मा इन्ना कुलूबुकुम बे। ये मैंने फरिश्ते भेजे थे ना, दिस वॉज जस्ट फॉर यूर सेटिस्फेक्शन। وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ, The victory is from Allah subhanahu wa ta'ala only, not from angels. This was just for your satisfaction. Angels cannot give you victory. They cannot support you. وہ تو میں نے آپ کی تسلی کے لیے بھیجے تھے. مدد تو میں نے کی دی. کامیابی تو میں نے دی. Angels کو بھی اللہ نے نگیٹ کر دیا. بھیجا بھی. और साथ कहा देखो ये ना समझना कि इनकी वजह से कामयाबी हुई है,
कामयाबी किसकी वजह से हुई है? अल्लाह की। भाई दिस इज तौहीद, दिस इज तौहीद। चीजें आपको नफा देंगी नुकसान देंगी कब? जब अल्लाह का हुक्म होगा। दिस शुड बी द बिलीफ। पैराडॉल में शिफा नहीं है, शिफा अल्लाह के हुक्म में है। पानी प्यास नहीं बुझाता, प्यास तो अल्लाह के हुक्म से बुझती है। आग नहीं जलाती, जलाना तो अल्लाह के हुक्म से है। अगर आग जलाती होती इटसेल्फ, इट शुड हैव बर्न इब्राहिम। अगर आग का काम सिर्फ जलाना है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को व्हाई इट डिडंट शो इट्स इफेक्ट ऑन इब्राहिम, इसने अपना असर जाहिर क्यों नहीं किया इब्राहिम पर? 40 दिन तो आग में रहे, आग ठंडी हो गई। तो मतलब है चीजों में जो नफा या नुकसान देने की तासीर और इफेक्ट है, दिस इज ड्यू टू द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह सुभान व तआला। जब वो कमांडमेंट होता है तो आग नुकसान देगी, जब वो कमांडमेंट नहीं होगा तो आग नुकसान नहीं देगी। पानी डबोएगा बट विद द कमांडमेंट नॉट इटसेल्फ। मूसा अलैहि सलाम जा रहे हैं, पानी रास्ता दे रहा है, और जब फिरौन वाले आए तो उसी पानी ने डबो दिया। एक ही पानी है, अगर वो अपनी मर्जी से डबो सकता है, अगर वो अपनी मर्जी से डबो सकता है तो दोनों को डबोए ना। नेचर तो यही है। व्हाई इट इज हैपनिंग अगेंस्ट द नेचर विद मूसा एंड इट्स फॉलोअर्स। जब मूसा अलैहि सलाम पहुंच गए ना किनारे पर पानी के, तो लोगों ने कहा मूसा इन्ना लमुद्रकून, अब तो हम मारे गए, पीछे फिरौन और आगे पानी, अब कहां जाएंगे? वी हैव बिकम अ सैंडविच, हम तो एक सैंडविच बन जाएंगे। मूसा अलैहि सलाम ने पता क्या कहा? मूसा अलैहि सलाम ने कहा कल्ला कल्ला नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। इन्ना माया रब्बी, माय अल्लाह इज विद मी, मेरा रब मेरे साथ है ना, कुछ भी नहीं होगा। दिस इज कन्विक्शन इन वननेस ऑफ अल्लाह सुभानहु व तआला, दिस इज द बिलीफ इन वननेस ऑफ अल्लाह सुभान। कुछ नहीं कर सकता पानी, कुछ नहीं कर सकता फिरौन, क्यों? इसलिए मेरा अल्लाह मेरे साथ है। द स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीफ ऑफ द प्रॉफिट्स इन वननेस ऑफ अल्लाह सुभानहु व तआला, एंड दे ट्रांसफर्ड दिस बिलीफ टू देयर फॉलोअर्स। अब ये रेफरेंस नोट करें, जो मैंने आपको अभी जितनी डिस्कशन की है इसके रेफरेंस नोट करें। प्लीज नोट डाउन द रेफरेंसेज ऑफ होली कुरान जो आपने तौहीद में लिखने हैं। जी, सूरह मोमिनून वर्स नंबर 23, सूरह मोमिनून वर्स नंबर 23, सूरह आराफ वर्स नंबर 65, सूरह आराफ वर्स नंबर 65, देन सूरह नहल, सूरह नहल की वर्स नंबर 36, सूरह अंबिया, सूरह अंबिया वर्स नंबर 25, ये सारा तौहीद उलूहियत जो हमने डिस्कस की है उसमें ये सारे रेफरेंसेस आएंगे, और भी हैं ये सारे, आप इसको सब में लिखेंगे, मैं अभी बताने लगा हूं। और सूरह अंबिया वर्स नंबर 25, सूरह अनआम वर्स नंबर 17, सूरह अनआम वर्स नंबर 17, देन सूरह फातिर एफ ए टी आई आर, सूरह फातिर वर्स नंबर 15,
सूरह इब्राहिम वर्स नंबर 10, सूरह इब्राहिम वर्स नंबर 10, सूरह जुखरफ ZUKHRAF जुखरफ वर्स नंबर 87, सूरह लुकमान वर्स नंबर 32, सूरह अनकबूत, सूरह अनकबूत वर्स नंबर 65, सूरह आराफ वर्स नंबर 191, सूरह हज वर्स नंबर 73, सूरह हज वर्स नंबर 73, सूरह नहल वर्स नंबर 17, सूरह नहल वर्स नंबर 17, जी लिख लिया। अच्छा जी, मैंने क्या बताया, तौहीद से क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट खत्म होती है, और क्या होता है, अल्लाह से मोहब्बत, और क्या होता है, और क्या होता है, इंसान ह्यूमन स्लेवरी से निकल जाता है और किसकी स्लेवरी में आ जाता है, एक अल्लाह की। सेल्फ रेस्पेक्ट पैदा होगी इसमें कि मैं अल्लाह का गुलाम हूं, किसी और का गुलाम नहीं होगा। कॉन्फिडेंस, इसका यकीन और एतमाद और तवक्कुल अल्लाह पे बढ़ जाएगा। सेमिटिक रिलीजन सबके अंदर तौहीद थी, याद है आपको, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। डू यू नो, हमने कहा था तमाम सेमिटिक रिलीजन में कॉमन पॉइंट क्या था, एक तौहीद। तो तमाम सेमिटिक रिलीजन में ये तस्वुर मौजूद है। अफसोस कि क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी का बिलीफ घुस आया, उन्होंने ईसा अलैहि सलाम को खुदा का बेटा करार दे दिया। ज्यूज के अंदर भी ये बिलीफ घुसा, उन्होंने उज़ैर अलैहि सलाम को खुदा का बेटा कहा। यार जब आपने इसके रेफरेंसेस लिख लिए है ना कुरान मजीद के इतने ज्यादा, अब अगर आप तौहीद में से ये सारे अल्लाह के रसूल नहीं तो बताया हमें, कुरान हमें किसने दिया, अल्लाह के रसूल ने। सो इतने रेफरेंस अगर आपने दे दिए तो फिर सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी तौहीद इसके लिए हदीस में से एक हदीस कोट कर लें, उसका नाम है हदीस जिब्राइल। हदीस जिब्राइल के अल्लाह के रसूल से जिब्राइल ने आकर जो सवाल पूछे थे इंसानी शक्ल में, तो उसमें पहली चीज जो उसने पूछी थी, उसने पूछा था कि बताइए इस्लाम क्या है, अखबरनी अनिल इस्लाम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इस्लाम अन तशहदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे ये सारी डिटेल है इसकी, ये हदीस आप कोट कर सकते हैं। सो क्या कहते हैं हदीस, भाई मैं आपको बता रहा हूं ना बेटा, इसी तरह से ही है, इसका माना यही है। कुरान किसके थ्रू मिला है हमें, अल्लाह के रसूल के थ्रू। तो हम अल्लाह के रसूल पर ही तो एतमाद करके कुरान का रेफरेंस दे रहे हैं, आप बात नहीं फॉलो कर रहे मेरी। जब आप कुरान और सुन्नाह कहते हैं तो ये दोनों नसूस है ना, अब लफ्ज आपको याद आ रहा है नसूस। तो जब आप कुरान में से सफिशिएंट रेफरेंस दे चुके, अगर उससे आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही तो फिर आप किससे कंसल्ट करते हैं, हदीस से, सेकंड सोर्स। चुनाचे एक हदीस मैंने आपको क्या कोट की, हदीस जिब्राइल। जी
दूसरा अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, ला तुशरिकु बिल्लाह, ला तुशरिक बिल्लाह, इन कुतिलतहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया हदीस नबवी के, डोंट मेक एनी पार्टनर ऑफ अल्लाह सुबहानहु व तआला, एनी शेयर होल्डर ऑफ अल्लाह सुबहानहु व तआला, इवन इफ यू आर मर्डर्ड, चाहे तुम्हें कत्ल क्यों ना कर दिया जाए, अल्लाह की तौहीद में गड़बड़ ना करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये चंद रेफरेंसेस मैंने आपको नोट करवाए, सूरह इखलास, सूरह बकरा की आयत अल कुर्सी और पहला कलिमा, और बाकी ये जो मैंने आपको रेफरेंसेस नोट करवाए हैं, इन सब को आप कोट करेंगे तौहीद को डिस्कस करते हुए। ये बिलीफ ऑफ तौहीद, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रॉफिट्स ऑफ अल्लाह सुबहानहु व तआला। तौहीद का यकीन और ईमान हमें किसने सिखाया, रसूलों ने। जी, सो वी केम टू नो, वी हैव इंट्रोडक्शन ऑफ तौहीद थ्रू द प्रॉफिट्स, एंड प्रॉफिट्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अल्लाह सुबहानहु व तआला। आप सुनते हैं कि 124,000 नबी दुनिया में आए, इनमें से 313 रसूल थे, 313 वर रसूल। नबी किसे कहते हैं, द वन हु इन्फॉर्म्स यू, मैंने बताया ये आपको, नबी से मुराद जो आपको खबर देने वाला है, नाबा आ कहते हैं खबर देने को, नबी द वन हु इन्फॉर्म्स यू थ्रू वही, थ्रू रेवलेशन ऑफ गॉड, ही इज कॉल्ड नबी। If he has come with a certain book or booklet, he is known as Rasool. Allah ke tamam sachche nabiyon par belief rakhna zaruri hai. One should have unconditional belief in all the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala from Adam to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Is belief ko kehte hain belief in prophethood. Sab nabiyon par iman. अब जब आखिरी नबी पर ईमान है तो इस पर दो तरह से है। तो अकीदे रिसालत में एक चीज शामिल है, दैट इज नोन एज खत्म नबूवत, बिलीफ इन फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड, फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर अलग से क्वेश्चन पूछा गया है, दो दफा आ चुका है एग्जाम में। जब दो खत्म नबूवत पे पूछा जाए तो फिर सिर्फ खत्म नबूवत को डिस्कस करेंगे। और पहले मैंने क्या कहा, बिलीफ इन प्रॉफिटहुड, ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ गॉड, ट्रू प्रॉफिट्स ऑफ गॉड फ्रॉम एडम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वन शुड हैव अनकंडीशनल बिलीफ इन ऑल द प्रॉफिट्स। मुसलमान सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नहीं मानते, उनसे पहले तमाम नबियों पर अनकंडीशनल बिलीफ रखते हैं। इफ समवन डिनाइज any of the true prophets of God, he will exit Islam. Allah ke kisi ek sache nabi ka inkar karne se aadmi Islam se nikal jata hai. Isi tarah se ye bhi zehen mein rahe, if someone acknowledges a person as prophet of God while he is not prophet of God, he will also exit Islam. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी पैदा होने वाले शख्स को नबी मान लेना, ये दिस इज अगेंस्ट द बिलीफ ऑफ फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द सील ऑफ प्रॉफिट्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। नो प्रॉफिट विल बी बॉर्न आफ्टर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। This belief is called finality of prophethood, and it has been clearly mentioned in the Holy Quran in Surah Ahzab, verse number 40. Surah Ahzab, verse number 40. The famous
verse of the Holy Quran, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. سورہ احزاب ورس نمبر 40. محمد صلی اللہ علیہ وسلم is not the father of you men, but he is messenger of Allah subhanahu wa ta'ala and seal of the prophets, and Allah knows each and everything. अल्लाह ने कहा अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है. यानी अल्लाह जानता है कि अब उसने कोई और रसूल नबी नहीं भेजना, इसलिए अल्लाह ने कहा अल्लाह सब कुछ जानता है. अगर मैंने कोई और नबी भेजना होता तो मैं उसको कुरान में मेंशन कर देता. आखिरी किताब आ चुकी है, अगर उसमें मैंने मेंशन नहीं किया, मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं, तो यू पीपल शुड हैव बिलीफ, अल्लाह कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी पैदा नहीं होगा. सूरह बकरा के स्टार्ट में भी अल्लाह ने कहा कि ईमान लाने, सूरह बकरा वर्स नंबर 3, के जो ईमान वाले हैं वो ए मोहम्मद जो कुछ हमने आप पर नाजिल किया उस पर भी ईमान रखते हैं और जो आपसे पहले नाजिल किया उस पर भी ईमान रखते हैं. मिन कबलिक, जो आपसे पहले, इसका मतलब है बाद में कोई नहीं आना था. अगर बाद में कोई आना होता तो अल्लाह उसका भी जिक्र करते कि ईमान के लिए जरूरी है कि पहलुओं पर भी ईमान लाओ और जो मोहम्मद के बाद आए उन पर भी ईमान लाओ. बट अल्लाह हैज नॉट मेंशन्ड, इट मींस इन द फाइनल बुक, इन द अल्टीमेट टीचिंग्स, अल्लाह सुभानहू व तआला हैज क्लियरली मेंशन्ड द फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. And the Prophet himself gave example. He said, if a person constructs a beautiful palace, but he leaves a place, a vacant place for a single stone and brick, the people will come and visit the palace. They will appreciate the beauty of palace, but they will say, if the last stone is put over here, the palace will become complete and perfect. The Prophet said, I am the last brick of palace of prophethood. Main nabuwat ke mahal ki aakhri eent hoon. Mere aane se nabuwat ka mahal mukammal ho gaya. Now there is no need of any new prophet. Aap sab ne kya kaha? Ala ला नबी याबादी. खूब सुन लो, देर इज नो प्रॉफिट आफ्टर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा. आना आखरुल अंबिया, आई एम द लॉस्ट ऑफ प्रॉफिट्स, व अंतुम आखिरुल उमम एंड यू आर द लॉस्ट उम्मा. मैं आखिरी नबी हूं और तुम आखिरी उम्मत हो. अना मोहम्मदुन, आई एम मोहम्मद. अना अहमदुन, आई एम अहमद. अनल आकिब, आई एम आकिब. वल आकिबुल्लजी ला नबी बादा, आकिब वो है जिसके बाद कोई नबी नहीं आएगा. आकिब, आखिर में आने वाला, पीछे आने वाला. सो ऑल दीज आर द रेफरेंसेज ऑफ कुरान एंड सुन्ना फॉर फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड, यू नो. एंड इन कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज सेड, सूरह अल माईदा वर्स नंबर 3, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आई हैव कंप्लीटेड योर दीन फॉर यू. नबी आता ही दीन पहुंचाने के लिए. जब अल्लाह ने कह दिया दीन मुकम्मल कर दिया है, देन वाई अल्लाह सुभानहू व तआला विल सेंड अ न्यू प्रॉफिट. यू गॉट मी पॉइंट?
नबी क्यों आता है एक नबी के बाद? वाई अ प्रॉफिट कम्स आफ्टर अ प्रॉफिट, एक नबी के बाद दूसरा नबी क्यों आता है? डू यू नो क्यों आता है? नंबर वन, इफ द प्रीवियस प्रॉफिटहुड वॉज फॉर अ सर्टन रीजन, अगर वो नबी एक खास इलाके के लिए होता तो अल्लाह यूज टू सेंड एन अदर प्रॉफिट इन अदर रीजन, दूसरे इलाकों में और नबी आ जाते थे। लेकिन सवाल यह है, इज प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर अरब रीजन ओनली? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत सिर्फ अरब के इलाके के लिए थी? नो, इट इज फॉर ऑल द यूनिवर्स। सो द प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज नॉट रीजनल, इट इज यूनिवर्सल। देन व्हाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल सेंड अनदर प्रॉफिट? कॉमन सेंस की बात है। नंबर टू, इफ द प्रीवियस प्रॉफिटहुड, द टीचिंग्स ऑफ दैट टिपिकल प्रॉफिट वर चेंज्ड, अगर एक नबी एक इलाके में आया, उसकी जो तालीमात और टीचिंग थी, लोगों ने उनको अंदर अल्टरेशन कर दी, अल्लाह सुब्हान व तआला यूज टू सेंड एन अदर प्रॉफिट फॉर रेक्टिफिकेशन, अल्लाह इस्लाह के लिए एक और नबी भेजते, इज देयर एनी चांस ऑफ अल्टरेशन इन द टीचिंग्स ऑफ कुरान? क्या कुरान की तालीमात बदली जा सकती? नो, बिकॉज अल्लाह हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। We discussed yesterday Surah Hijr verse number 9. Surah Hijr verse number 9. हमने इस किताब को नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले। Then why Allah Subhanahu wa Taala will send a new prophet? अगर पहली शरिया it cannot cater the need of coming times, अगर पहले अहकामात एक खास टाइम पीरियड के लिए थे, आने वाले टाइम पीरियड को वो कैटर नहीं कर सकते थे, देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला यूज्ड टू सेंड अनदर प्रॉफिट। बट देयर इज परफेक्शन इन द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, यू नो, एंड देयर इज अ डायनेमिक टूल इन द फॉर्म ऑफ इश्तहाद, देन व्हाट इज द नीड ऑफ सेंडिंग अ न्यू प्रॉफिट? अब तो जो भी इशू आएगा उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? जहां नसूस मौजूद नहीं होंगी तो कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे हम उस इश्यू को सॉल्व करने के लिए? इस्लाम ने कौन सा टूल दिया है? इश्तहाद। सो इट विल कैटर द नीड्स ऑफ ऑल द टाइम्स इन फ्यूचर। सो इसलिए किसी नबी के आने की जरूरत बाकी नहीं है। बाकी रहा ईसा अलैहिस्सलाम का आना, जीसस विल कम बैक बट ही विल नॉट बी बोर्न, he will not be born, he is still alive in the sky, you know, it is a miracle, he was neither crucified nor killed but he was lifted to the sky according to the teachings of Quran, so he will be sent back in the last moment near the day of judgment, Allah ke rasul ne farmaya ke Isa will descend down, यंजलो ईसा इब्ने मरियम, ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे, पैदा नहीं होंगे, पैदा हो चुके हो, उन पर फिजिकल डेथ आई ही नहीं अभी, जैसे उनकी पैदाइश इट वॉज अ मिरेकल विदाउट फादर, सो हिज लाइफ इज ऑल्सो अ मिरेकल इन द सेम वे, सो ही विल कम बैक and he will act as a caliph of prophet sallallahu alaihi wasallam and he will follow the teachings of quran not the bible, he will preach la ilaha illallah muhammadur rasulullah, he will not preach la ilaha illallah isa ruhullah, so jesus ke aane se फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड डिस्टर्ब नहीं होगी, बट इफ समवन इज बोर्न आफ्टर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड देन ही क्लेम्स टू बी प्रॉफिट ऑफ गॉड, ही विल बी अ लायर पर्सन। जिन लोगों ने ये दावे किए थे, मैंने आपको नाम पहले भी बताए थे, उनमें से मुसैलमा कज़ाब पहला शख्स है,
He falsely claimed to be prophet of God. Then Aswad-e-Anasi, an other person, Tuleha, an other person, Sajjah, they falsely claimed to be prophet of God after Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and a war was launched by Hazrat Abu Bakr Siddiq in his time period of caliphate against these people. Its name is War of Yamama, Battle of Yamama. भैया इनको भेजें, बच्चे इनको पिक्चर भेज दें बोर्ड की. ठीक है, जल्दी भेजें, ये वाली साइड वो कहते नजर नहीं आ रही जी. सो इसके रेफरेंसेस नोट करें बेटा, ये आपको पिक्चर भेज रहे हैं. रिसालत और नबूवत और खत्म नबूवत के जो रेफरेंसेस हैं ये नोट कर लें प्लीज. सूरह नहल वर्स नंबर 36, सूरह नहल वर्स नंबर 36, पहले रिसालत के और फिर खत्म नबूवत के सारे रेफरेंसेस आपको बारी बारी डिस्कस करने हैं उसमें. सूरह शुअरा वर्स नंबर 109, सूरह शुअरा शायर की जमा शुअरा, वर्स नंबर 109, 110, 126, 144 एंड 162. सूरह शुअरा 109, 110, 126, 144 एंड 162. सूरह ज़ुख़रफ़, सॉरी अभी शुअरा, शुअरा की दो आयत और भी लिख लें. सूरह शुअरा की 178 एंड 179, 178 एंड 179. सूरह ज़ुख़रफ़ वर्स नंबर 63, सूरह ज़ुख़रफ़ वर्स नंबर 63. देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खास तौर पे जो आयात हैं, सूरह अहज़ाब वर्स नंबर 40, सूरह अहज़ाब वर्स नंबर 40, सूरह अल-माईदा वर्स नंबर 3, सूरह आले इमरान 164, सूरह निसा वर्स नंबर 59, 61, 65, सूरह निसा आप लिख रहे हैं 59, 61, 65, 164, सूरह आले इमरान वर्स नंबर 133 जी, सूरह हश्र वर्स नंबर 7, सूरह हश्र वर्स नंबर 7, सूरह हश्र वर्स नंबर 7, सूरह सबा सीन बे अलिफ एस ए बी ए, सूरह सबा वर्स नंबर 28, 28 एटसेट्रा. Why this belief is important to know? Yaad rakhiye, the Prophet is a role model for humanity. Insanon ke liye Prophet hamesha role model hote hain. Allah used to send His Prophet for practical implementation of His commandments, so that the people should not have any objection. कि जी फुलां कमांडमेंट को तो मानना मुमकिन नहीं है, हाउ कैन वी प्रैक्टिस दिस कमांडमेंट. सो अल्लाह सेंड हिज मैसेंजर्स एंड दे प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेटेड द कमांडमेंट्स सो दैट नो वन मे हैव एनी ऑब्जेक्शन कि अल्लाह के इस हुक्म को कैसे प्रैक्टिस करें. इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल.
So all the prophets were human beings. They were from Adam. आदम की औलाद में पैदा हुए तमाम नबी इंसानों में से थे, अलबत्ता ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स नहीं होते। नबी पर वही आती है, आम इंसान पर वही नहीं आती। लिहाजा देयर इज अ लार्ज डिफरेंस, देयर इज नो कंपैरिजन विद अ कॉमन पर्सन एंड अ प्रॉफिट, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉफिट इज ह्यूमन बीइंग। अल्लाह ने कुरान में कहा है अगर मैं फरिश्तों के अंदर नबी भेजता तो फरिश्ता भेजता, लेकिन चूंकि मैं इंसानों में नबी भेज रहा हूं तो मैं इंसानों में से भेज रहा हूं, ताकि कोई ये एतराज ना करे कि जी वो तो फरिश्ता है, कर सकता है, हम तो इंसान हैं, हम कैसे करें। तो अल्लाह ने कहा मैं इंसानों में से नबी भेजूंगा। सो प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं नबी ताकि कोई आने वाला एतराज ना कर सके। And they are the role model for human beings. Prophets क्या होते हैं? इंसानों के लिए नमूना होते हैं। इसको अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है सूरह अहज़ाब की वर्स नंबर 21। لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ There is best example for you people in the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam. So नबी नमूना होते हैं, वो आकर लोगों को अमल करके दिखाते हैं और उनकी सीरत, they are the wisest people of their time, और वो लोगों को अमल करके दिखाते हैं। So ये आपने सारे references लिखे। Then comes, there is a belief which is very important in human life, and most of the people they denied this belief. The prophets gave them the belief of akhirat, life hereafter. इसके लिए बहुत से लफ्ज कुरान में आए हैं, आखरत का लफ्ज भी कुरान में आया है, अस्साआह, ये सब नाम आखरत के हैं, अस्साआह, अलकारिया, यौमुद्दीन, यौमुल हश्र, यौमुल बास, यौमुत तगाबुन, ये सब नाम किसके हैं? आखरत के। यौमुल कयामा, यौमुल आखिरा, एटसेट्रा। सो कब होगी आखरत? नो वन नोज। वो जो सवाल पूछने वाले ने पूछा था ना, मुझे बताइए इस्लाम क्या है, आप सब ने उसको बताया इस्लाम ये है। फिर उसने पूछा था यौमुसा कब आएगी आखरत, तो आपने फरमाया मल मसूल अनहा बे आलमा में नसाइल, ओ पर्सन यू आर आस्किंग मी अबाउट द डे ऑफ जजमेंट एज यू डोंट नो आई डोंट नो, जैसे तू नहीं जानता कि क़यामत कब आएगी मैं भी नहीं जानता। अलबत्ता उसकी अलामात अल्लाह के नबी ने बयान की। द पीपल यूज टू से टू द प्रॉफिट्स when we will die and we will become part of soil, our particles will become part of soil, body particles, will we people be rejuvenated and revived again? How is it possible? Hum dobara uthaye jayenge jabki hum mar kar mitti mein mil chuke honge, ye kaise hoga? To wo kehte the hai hat hai hat, ये नहीं होगा। सूरह मोमिनून वर्स नंबर 82, सूरह मोमिनून वर्स नंबर 82, قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون, जब हम मर जाएंगे हमारी हड्डियां गल सड़ जाएंगी तो हम दोबारा उठेंगे, कैसी अजीब बात है। एक जुमला है कुरान मजीद में बार बार उनका जो इतराज होता था, दे यूज टू से हैहात हैहात, It shall not happen, it shall not happen, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये उनको। हालांकि आप देखें अकल के तौर पर अगर देखें तो ये बात समझ में आती है, एक आदमी अच्छी लाइफ गुजार रहा है, खूबसूरत जिंदगी, करप्शन नहीं करता, लेकिन बेचारा हैंड टू माउथ रहता है और इसी हाल में दुनिया से चला जाता है। ऑनेस्ट ऑफिसर, आदमी के जहन में सवाल आता है वेयर इज गॉड एंड वेयर इज हिज जस्टिस, वाई दिस पर्सन इज नॉट बींग रिवार्डेड।
On contrary, a person who is corrupt, dishonest, he is living with pomp and show. और इसी हाल में दुनिया से चला जाता है. Again, there is a question. Where is God? Where is his justice? Why this corrupt person is not being punished? तो जवाब आता है जहन में खुद ही. God is quite just. अल्लाह तो अदल करने वाली जात है. इसका मतलब है there should be some place where he will make justice and give full reward to a pious person and full punishment to a corrupt person. That place is known as Akhirat. Surah Mulk mein Allah ne kaha khalaq al maut wal hayat. Pehle kya kaha? Khalaq al maut. Kisko paida kiya? Maut ko. Wal hayat. और जिंदगी को. हालांकि जिंदगी पहले है, मौत तो बाद में है. अल्लाह ने पहले कहा मौत, फिर कहा जिंदगी. इसका मतलब है मौत के बाद फिर क्या है? जिंदगी है. मौत के बाद फिर जिंदगी है. सूरह मुल्क में अल्लाह ने इसको बताया है. भाई ये तो आपको आयत आती है ना सूरह मुल्क की, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शयइन क़दीर خلق الموت والحیات. سورہ ملک ورس نمبر 2. سورہ حج ورس نمبر 1. سورہ حج ورس نمبر 1. سورہ مرسلات. مرسلات ایم یو آر ایس اے ایل اے ٹی مرسلات ورس نمبر 38. सूरह निसा वर्स नंबर 87. सूरह निसा वर्स नंबर 87. सूरह नमल. सूरह नमल वर्स नंबर 4 and 5. सूरह अलकारिया पूरी सूरत. अलकारिया तो वलकारिया पूरी सूरत ही कयामत के बारे में है. सूरह अलकारिया. सूरह अलमाउन अरैतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन. इस सूरत का नाम है सूरह माउन. ये आपको आती है वर्स नंबर 1. सूरह बकरा वर्स नंबर 4. सूरह बकरा वर्स नंबर 4. देन सूरह मोमिनून वर्स नंबर 83. सूरह मोमिनून वर्स नंबर 83. सूरह मोमिनून वर्स नंबर 105. 105, 106, 107 and 108. ये सूरह मोमिनून की आयात है 105 से लेकर 108 तक. इम्पैक्ट ये होता है इस बिलीफ का, यू हैव अ फर्म एफिलिएशन विद द लाइफ हेयर आफ्टर एंड यू थिंक दिस इज नॉट माई डेस्टिनेशन. आई एम इन अ ट्रांजिट फेज. I have to go towards my destination. I am on the way to destination. This is not my destination. So, आपकी affiliation आखिरत के साथ bond आपका strong हो जाता है, दुनिया के साथ आपका bond कमजोर होता है. Then you follow the commandment. आपके पास जो कुछ होता है आप उसको अल्लाह के लिए खर्च करना पसंद करते हैं. अल्लाह की मखलूक की खिदमत का जज्बा पैदा होगा. आप समझते हैं कि ये जिंदगी अल्टीमेट नहीं है, ये तो एक रास्ता है. सो ये अकीदा आपको राइट ट्रैक पे रखता है. अकाउंटेबिलिटी का एहसास दिलाता है कि आई एम आंसरेबल समवेयर समवेयर एल्स. एक जगह है जहां मुझे जवाबदेही करनी है, मेरी जवाबदेही होनी है. सो मुझे उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है. सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का एहसास पैदा होता है. दिस बिलीफ क्रिएट्स द सेंस ऑफ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इन यू पीपल. It makes the bond of hereafter stronger. It makes the bond of materialistic life weaker. ये तो आर्जी और टेम्पोरेरी है, असल तो वो है. So this belief is very important and this was propagated by, preached by all the prophets of God. कि दुनिया एक transit phase है, असल जिंदगी आखरत की जिंदगी है. उसकी तैयारी के लिए अल्लाह हैज गिवन यू अ सर्टेन टाइम पीरियड फॉर 60 इयर्स, 70 इयर्स, 90 इयर्स, 100 इयर्स. आफ्टर ऑल यू हैव टू लीव. सो इसको कहते हैं अकीदा आखिरत.
यौमुस्सा, यौमुल कारिया, यौमुल कयामा, यौमुल हश्र, यौमुल बास, यौमुल तगाबुन, इसको कुरान ने डिस्कस किया है। दिस बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन अलहदा भी आ सकता है और जनरल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फंडामेंटल बिलीफ्स ऑफ इस्लाम, डिस्कस बिलीफ इन तौहीद इन डिटेल। सवाल यूं भी हो सकता है, जैसे मर्जी सवाल पूछें, यू शुड हैव सफिशिएंट कंटेंट विद रेफरेंसेस एंड यू मे डिस्कस इजीली। आसान है, ये तो आपको आता है टॉपिक, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। इसके इम्पैक्ट को हाईलाइट करना आपको आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, पॉइंट्स के साथ, हेडिंग्स के साथ और रेफरेंसेस के साथ। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसको जाकर रीडिंग दीजिए, बहुत आसान टॉपिक्स हैं ये, आज का टॉपिक बहुत आसान है, इसको आप पढ़िए, लेकिन इस लेवल के साथ लिखना आना चाहिए आपको। इस लेवल का नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, स्कॉलरली वे में डिस्कस करना आपको आना चाहिए, नॉट इन ऑर्डिनरी वे। इन स्कॉलरली वे यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू रिप्रोड्यूस योर नॉलेज इन योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गॉड ब्लेस यू ऑल।
Assalamu alaikum to everybody and a very pleasant morning. Am I audible to all of you? How about the audio and the video quality today? Is it all right?